डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स के बॉडी वॉल लोकोमोशन डाइजेशन और न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे क्लास टर्बिल एरिया फ्री लिविंग एनिमल्स या फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म्स इसके मेंबर्स जो हैं नॉर्मली इनके अंदर फ्री लिविंग मोड होगा अब जब ये फ्री लिविंग होंगे तो दे विल बी कॉल्ड बॉटम डवेलर्स फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों तरह की इन्वायरमेंट के अंदर ये पाए जाएंगे दे कैन आल्सो क्रॉल टू द स्टोन्स सेंट या वेजिटेशन टर्बिलेरियंस का नेम जो है वो क्यों आया है टर्बिलेरियंस नॉर्मली दे आर नेम्ड टर्बिलेरियंस बिकॉज दे आर बीटिंग ऑफ सीलिया क्रिएट्स टर्बिलंस इन वाटर दैट्स वाई दीज एनिमल्स आर नेम्ब एज टर्बिलेरियंस इसकी थ्री थाउजेंड स्पीशीज जो है देट हैव बिन डिस्क्राइबड टर्बील एरियस जो हैं ये प्रीडेटर्स भी हैं और ये स्केवेंजर्स भी हैं कुछ जो हैं टेरिस्ट्रियल हैं दे आर नोन टू लिव इन ह्यूमन ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक क्लाइमेट्स मोस्टली टर्बील एरियस जो हैं दे आर लेस दैन वन सेंटीमीटर और इनके अंदर जो है टेरिस्ट्रियल वन जो हैं उनका साइज बड़ा होगा एंड दे कैन रीच अप टू सिक्सटी सेंटीमीटर इन लेंथ फिर इनकी कलर जो है इसके डिफरेंट शेड्स हैं ब्लैक ब्राउन ग्रे और कुछ ग्रुप्स जो हैं दे आर आल्सो डार्कली ब्राइटली कलर्ड बॉडी वॉल जो है इनके अंदर एक्टोडर्मस मौजूद है और एक्टोडर्मल लेयर जो है दैट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट कुछ के अंदर एपीडरमल सेल्स मौजूद हैं ये सिलिएटेड हैं और इनके साथ माइक्रोवेलाय भी मौजूद होंगे अ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दिस सेपरेट्स द एपिडर्मस फ्रॉम द मिजोडर्मल डिराइव्ड टिश्यूज इस डायग्राम में आप देखें एक टिपिकल हमें टर्बिलेरियंस की डायग्राम इसकी बॉडी वॉल लोकोमोशन डाइजेशन और न्यूट्रिशन के बारे में बता रही है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम देखें डाइजेस्टिव कैविटी मौजूद है गैस्ट्रोडर्मिस लेयर मौजूद है आउटर बॉडी वाल में देखें एपिडर्मिस है रिप्रोडक्टिव पार्ट में डक्ट है टेस्टिस हैं टेस्टिस से स्पर्म डक्ट राइज हो रही है ये इसकी वेंट्रल सर्फिस है रेबडिटाइट सेल्स मौजूद हैं फ्लेम बल्ब सेल्स मौजूद हैं जो कि एक्सक्रिटरी सिस्टम में रोल प्ले करेंगे ग्लैंड सेल्स मौजूद हैं सिलिया हैं एपिडर्मस है मिजन कायमा ओविडक्ट है ओवरीज है नर्वस सिस्टम के लिए नर्व कॉर्ड मौजूद है ये इसकी डोर्सल सरफेस है यहाँ पे योग ग्लैंड सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वो मौजूद है एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी पोर्स मौजूद हैं वेंट्रल मसल्स मौजूद हैं सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह के मसल्स हैं फिर इसके अंदर पेरनकाइमा सेल्स मौजूद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट हैज़ बीन स्टार्टेड। अब इसकी वही बात हमने डायग्राम में भी एक्सप्लेन की कि इसमें दोनों तरह के मसल्स हैं सर्कुलर लॉन्गील कुछ मसल्स वेंट्रली लोकेटेड हैं कुछ मसल्स जो है, वो हैं वो ओब्लिक हैं बिटवीन द डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस लॉन्गीडनल मसल्स गेस्ट्रोडर्मस दे आर हैविंग लूजली अरेज पैरनकमल सेल्स इनर मोस्ट टिश्यूज जो हैं दे आर नॉर्मली इज द लेयर ऑफ एंडोडर्मली डिराइव्ड गैस्ट्रोडर्मस इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी दैट विल नॉर्मली लाइन द डाइजस्टिव कैविटी अब जो इसके अंदर गैस्ट्रोडर्मस सेल्स हैं दे विल सिक्रीट द एंजाइम्स एंजाइम्स जो हैं फूड पे एक्ट होंगे एंड दे विल हेल्प इन डाइजेशन वेंट्रल सर्फेस के ऊपर सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लैंड मौजूद हैं रेबडिटिस रेबडिटीज क्या होंगे दीज आर रॉड लाइक सेल्स दैट स्वेल एंड फॉर्म आ प्रोटेक्टिव म्यूकस शीत अराउंड द बॉडी और पॉसिबली जो है दिस इज रेस्पॉन्सिबल इन रेस्पॉन्स टू अटेम्प्ट्रीडेशन और डेसिकेशन एडहेसिव ग्लैंड इसको बॉडी को हेल्प करेंगे कि वह किसी भी आउटर सरफेस के साथ अटैच करे और रिलीजर ग्लैंड्स जब बॉडी ने फ्री होना होगा अपने आप को तो जो रिलीजर ग्लैंड्स हैं दे नॉर्मली रिलीज सिक्रीट अ केमिकल दैट डिजॉल्व द अटैचमेंट सरफेस एंड एनिमल्स दैट बिकम्स रिलीज दिस इज अगेंस्ट द डायग्राम शोइंग ऑल द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द बॉडी वॉल लोकोमोशन डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन